मगर कूफे में एक तबीब रहता था, बहुत बड़ा आलिम भी था। उसको बुलाया गया, शायद मेरे ख्याल से अगर आपने महसूस कर लिया तो इंशाअल्लाह बहुत गिरिया करेंगे। उस तबीब को बुलाया गया, उस तबीब ने ज़ख्म देखा और ज़ख्म देखने के बाद फरमाया, अगर बकरे की आगे की पैर की हड्डी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। बकरे की पैर की आगे की अगर हड्डी मिल जाए तो बेहतर रहेगा। बकरे की आगे की पैर की हड्डियाँ मंगाई गई, जिसको नली कहते हैं, उसको तोड़ा गया। तोड़ा गया तो उसमें से गूदा निकला। क्या निकला? गूदा। उस तबीब ने वो गूदा निकाला दोनों हड्डियों से और इमाम के सर में रखा। अल्लाह हुआ के बाद सबसे बड़ा तबीब था ये, उस हड्डियों का गूदा इमाम के ज़ख्म पर रखा और फूंक मारनी शुरू की। जैसे जैसे वो तबीब फूंक मारता था वो गूदा अंदर बैठता जाता था। जैसे जैसे तबीब फूंक मारता था वैसे वैसे वो गूदा अंदर बैठता जाता था। तबीब कहता है, या अली बस अब आप वसीयतें कर दीजिए, या अली बस आप वसीयतें कर दीजिए। जानते हैं अज़ादारों क्या वजह थी? वजह ये थी कि गूदा जो है ना ज़ख्म को भर देता है और जो ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है वो गूदा नहीं भर पाता। अब आप समझे अज़ादारों अली का ज़ख्म कितना गहरा था कि गूदा भी नहीं भर पा रहा था। तबीब ने कहा वसीयतें कर दीजिए, अली ने वसीयतें की। जब वसीयतें की है ना तो एक मर्तबा इमाम हसनैन को बुलाया और इमाम हसनैन को बुलाने के बाद फरमाया, बेटा हसन तमाम चाहने वाले तशरीफ फरमाएं, बहनें तशरीफ फरमाएं, भाई तशरीफ फरमाएं। कुछ हजरात का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, जनाब जैनब जनाब कुलसूम का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया और फरमाया, ख्याल रखना। चंद बरस के मौला अब्बास हैं, पहलू में खड़े हैं, पहलू में तशरीफ़ फरमा है, सबका हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया, मगर मौला अब्बास तन्हा खड़े हैं, गिरिया फरमा रहे हैं। अम्मा जान से फरमाया, अम्मा जान क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई? बाबा ने सबका हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया, वारिस बनाया। अम्मा जान में तन्हा रह गया। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने इमाम अली से फरमाया, मेरे वाली वारिस, अल्लाह अकबर, मेरे वाली वारिस सबको एक दूसरे का वारिस बनाया है, मेरे अब्बास से क्या ख़ता हो गई कि मेरा अब्बास तन्हा रह गया? अली ने गिरिया फरमाया। गिरिया फरमाने के बाद अब्बास को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद फरमाया, बेटा हुसैन करीब आओ। इमाम हुसैन को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद इमाम हुसैन का हाथ मौला अब्बास के हाथ में दिया, फरमाया, अब्बास मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन का आज से तू निगहबान है। करबला के मैदान में जब तक अब्बास थे हुसैन तक कोई ना आ सका, मगर जब अब्बास शहीद हो गए खैमों में आग लगा दी गई, चादरें छीन ली गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।